नमस्कार दोस्तों, आज का अपना टॉपिक है प्रथम विश्व युद्ध। तो हम देखते हैं अलग अलग टॉपिक्स के हिसाब से कि इसके कारण क्या थे, कैसे प्रोसेस हुआ, कार्यविधि क्या रही और इसकी क्या रिजल्ट रहे। एक बात याद रखिएगा कि नोट्स डायरेक्टली मत बनाना, ठीक है? ये आपके 11th क्लास के NCERT की बुक में ऐसा कैसा दे रखा है, आप उसको एक से दो बार पढ़िएगा, ये वीडियो देखिएगा, फिर अपने नोट्स बनाना, ठीक है? बार बार नोट छापने का काम मत करना, ठीक है? तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के कारण देखते हैं। देखो, साम्राज्यवादी देशों का उपनिवेशों पर कब्जा करना सबसे इम्पोर्टेंट बात थी। आपने पीछे औद्योगिक क्रांति में देखा था कि क्योंकि औद्योगिक क्रांति हो गई थी, उत्पादन बढ़ गया था, इंडस्ट्रीज लग गई थी, तो फिर क्या था, इन्होंने साम्राज्यवादी देश थे जो यूरोपियन कंट्रीज थी, इनको उपनिवेश चाहिए थे, तो इन्होंने क्या किया, उपनिवेश बनाए अपने। तो अब क्या था, अब जो उपनिवेश थे वो तो बन चुके थे मैक्सिमम संख्या में जितने बन सकते थे, तो अब उनमें क्या हुआ, अब जो यूरोपियन कंट्री थी उनमें आपस में लड़ाई शुरू हो गई कि कौन ज़्यादा से ज़्यादा उपनिवेश रख सकता है। तो कारण पहला क्या बना, साम्राज्यवादी देशों का उपनिवेशों पर कब्जा करना, तो वो एक दूसरे के उपनिवेशों पर कब्जा करने लगे, ठीक, पहला कारण। दूसरा, जर्मनी ने जबरदस्त आर्थिक और औद्योगिक प्रगति कर ली, सबसे बड़े युद्ध पोत का निर्माण कर लिया, जर्मनी बहुत प्रोग्रेस कर रहा था, ये बात ब्रिटेन को कैसे बचेगी, ठीक है? तो दूसरा कारण क्या था, एक तो उपनिवेशों पर कब्जा करना पहला कारण था, दूसरा कारण क्या था कि जो जर्मनी था वो आर्थिक और औद्योगिक दृष्टि से बढ़ता जा रहा था, उसने खुद का एक बहुत बड़ा युद्ध पोत बना लिया था। अगला कारण है 1882 में, 1882 में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, इटली, इन तीनों ने ट्रिपल अलायंस पर अपनी विरोधी शक्तियों के खिलाफ सैन्य सहायता की, ठीक है? और दूसरी तरफ कौन थे तीन, इंग्लैंड, रशिया एंड फ्रांस, ठीक है? तो अब यहाँ पर क्या हो रहा था, सैन्य सहायता दी जा रही थी, तो अब क्या होगा इस प्रोसेस में, हथियारों की होड़ होनी शुरू हो गई। आई समझ में? मतलब कुल मिलाकर दो ग्रुप बन गए, एक ग्रुप तो था ट्रिपल अलायंस का, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इटली का, दूसरा जो ग्रुप था ये था इंग्लैंड, रशिया और फ्रांस का। अब हथियारों की होड़ लगनी हो गई शुरू। अगला कारण क्या था, पूर्वी यूरोप में तुर्कों से मुक्त राज्यों के स्लाव सर्बिया में जाना चाहते थे, परंतु ऑस्ट्रिया अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था क्योंकि वह स्लाव प्रमुख देश था। बात समझ में आई? देखिए, तुर्कों ने जिन पर शासन किया उनके जो नागरिक थे वो स्लाव कहलाते थे, वो अपनी एक अलग आइडेंटिटी बनाना चाहते थे, ठीक है? वो अपने आप को सर्बिया में मिलाना चाहते थे, लेकिन जो ऑस्ट्रिया था जो ऑलरेडी एक स्लाव कंट्री था वो इनको अपने में मिलाना चाहता था, ठीक है? तो ऑस्ट्रिया ने बोस्निया और हर्जेगोविना पर कब्जा कर लिया, ठीक। फिर क्या हुआ, जो ऑस्ट्रिया के युवराज थे इन पर सर्बियाई युवक द्वारा हमला किया गया, जिससे कि जो वहाँ के राजकुमार थे फ्रांसिस फर्डिनांड वो मारे गए, उनकी हत्या कर दी गई। यह बना तात्कालिक कारण प्रथम विश्व युद्ध का। आई समझ में? चाहे अपने राजस्थान की, इंडिया की 1857 की क्रांति हो या कोई अन्य युद्ध हो, उसके और कारणों के अलावा एक तात्कालीन कारण जो तुरंत युद्ध को भड़काता है वो इम्पोर्टेंट होता है। तो यहाँ पर तात्कालीन कारण क्या था कि जो ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे फ्रांसिस फर्डिनांड, इनकी हत्या। चलिए, अब इसमें हुआ क्या, अब हम देखते हैं कि ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर अटैक किया, ठीक है, जर्मनी ने रूस पर और फ्रांस पर, जर्मन सैनिक बेल्जियम में प्रवेश कर गए। ये एक एक स्टेप होता गया। देखिए, यहाँ पर हुआ क्या, ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे उनकी हत्या कर दी गई थी एक सर्बियाई युवक के द्वारा, तो सिंपल सी बात है, ऑस्ट्रिया भड़केगा, है ना? इन्होंने संधि भी करनी चाहिए सर्बिया वालों ने, लेकिन जो ऑस्ट्रिया वाले थे इन्होंने कुछ 11 मांगों के अलावा कुछ मांगे रखी जो इनको कबूल नहीं थी,
तो फिर एट लास्ट ऑस्ट्रिया ने क्या किया, सर्बिया पर अटैक कर दिया। ऐसे ही जर्मनी ने रूस पर अटैक किया, फ्रांस पर अटैक किया। और जो जर्मन सैनिक थे, अब भाई ये तो औद्योगिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से काफ़ी प्रगति कर रहे थे जर्मनी वाले, बहुत कॉन्फिडेंस था इसमें, तो इन्होंने जर्मन सैनिकों ने बेल्जियम में प्रवेश कर लिया। ठीक है, इंग्लैंड ने जर्मनी पर युद्ध की घोषणा कर रही कि भाई जर्मनी बहुत कर रहा है, अब हम इस पर युद्ध करेंगे। अब देखिए, तो ये तात्कालीन कारण हमने बता ही दिया, ये मेन कारण था, ये प्रोसेस होता चला गया। तो अब कार्यविधि देखते हैं कि हुआ क्या। कार्यविधि यही है, नॉर्मल जो युद्ध था वो हो रहा था। इम्पोर्टेंट आते हैं इसमें अपना यूएसए। तो 1917 में ये युद्ध शुरू हुआ, 1914 में चला 18 तक, लेकिन 1917 में इससे यूएसए जुड़ गया, रूस अलग हो गया इस युद्ध से। फिर जुलाई 1918 से जर्मनी का पतन शुरू हो गया, धीरे धीरे जर्मनी हारने लगा। 3 नवंबर 19, देखिए जर्मनी ने कितने दुश्मन बना लिए थे, इन सब पर अटैक कर रहा था, तो एक साथ इतने दुश्मनों से लड़ेगा तो हारेगा, ठीक है ना। तो 3 नवंबर 1918 में ऑस्ट्रिया के सम्राट ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसी प्रकार जर्मन लोगों द्वारा विद्रोह करने के कारण जर्मन सम्राट विल्हेम द्वितीय हॉलैंड भाग गए। बात समझ में आई, ये जो जर्मनी ने जो सब कुछ किया था, ये किसके कारण किया था, जो इनके सम्राट थे उसके कारण किया था। तो अब जब, क्योंकि जर्मनी बुरी तरीके से हार गया, ठीक है ना, पूरे लॉस में चला गया, तो सारा दोषारोपण किस पर किया जाएगा, सम्राट पर, ठीक है। तो फिर क्या होगा अंत में, जो वहाँ का सम्राट था वो क्या करेगा, जान बचा के भागेगा, वही हुआ। ठीक, आगे चलते हैं, परिणाम की बात करते हैं। तो देखिए, जो मित्र राष्ट्र थे उन्होंने क्या किया, पराजित मित्र राष्ट्रों ने पराजित शक्तियों के साथ विभिन्न संधियां की। जो मित्र राष्ट्र थे आपके, ब्रिटेन, फ्रांस और रशिया वगैरह, इन्होंने क्या किया, अमेरिका भी इन्हीं में ही मान लीजिए, क्योंकि ये बाद में आया था, ठीक है, 17 में इसने ज्वाइन किया था, तो अमेरिका भी इन्हीं में ही था। इन्होंने संधियाँ करी, वर्साई की संधि, वर्साई की संधि ने ये जर्मनी के साथ करी गई, ठीक है, इसने जर्मनी को पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, इसकी जो नौवहन प्रणाली थी पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दी गई। ये कह दिया गया कि जो जर्मनी है ये मैक्सिमम 1,00,000 तक सैनिक रख सकता है, तो जर्मनी के साथ की गई। ऑस्ट्रिया के साथ जो संधि की गई वो सेंट जर्मन की संधि की गई, ठीक है, जर्मनी के कई प्रांत जो मित्र राष्ट्र थे उनके अधीन कर दिए गए, ठीक है ना, वर्साई की संधि के तहत। तो देखिए, ऑस्ट्रिया से हंगरी को अलग कर दिया गया, ठीक, जर्मनी किसकी तरफ था, जर्मनी था ऑस्ट्रिया की तरफ। जो स्टार्टिंग में लड़ाई शुरू हुई थी, जो ऑस्ट्रिया ने अटैक किया सर्बिया पर, तो जर्मनी ने साथ दिया था कि भाई तुमने इनके राजकुमार को क्यों मार दिया, ठीक है। तो अब क्योंकि जर्मनी हार गया, इसका मतलब ऑस्ट्रिया भी हार गया, तो ऑस्ट्रिया से हंगरी को अलग कर दिया गया। तभी तो जर्मनी ने रूस पर अटैक किया था, देखिए तुरंत बाद में ऑस्ट्रिया ने सर्बिया पर किया था, तो जर्मनी ने, क्योंकि रूस किसका पक्ष ले रहा था, सर्बिया का, ठीक, तो जर्मनी ने किस पर अटैक कर दिया, रूस पर। तो वर्साई की संधि से जर्मनी राजनीतिक, आर्थिक और सैन्य रूप से बिखर गया, पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था जर्मनी। अल्सेस और जो लॉरेन के प्रांत थे जर्मनी के, ये दे दिए गए फ्रांस को, इस समय फ्रांस में है, ठीक है। ये अपन औद्योगिक जो अपन वर्ल्ड इंडस्ट्रीज पढ़ते हैं उसमें ये बहुत क्षेत्र आते हैं लॉरेन का। कोयला समृद्ध सार घाटी ये 15 साल के लिए फ्रांस को दे दी गई जर्मनी की। सार घाटी पहले ही बता दिया, कोयला समृद्ध थी, कोल रिच थी। अमेरिकी राष्ट्रपति वुड्रो विल्सन द्वारा 14 सूत्री शांति कार्यक्रम स्टार्ट किया गया, ठीक। और क्या किया गया, लीग ऑफ नेशंस की स्थापना की गई, ठीक है, लेकिन यह अपने कार्यों में पूरी तरह असफल रही। ओके, तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। जो मेन तात्कालिक कारण था, उपनिवेशवाद तो था ही था, जर्मनी प्रोग्रेस कर रहा था वो भी था, ठीक है। उसके अलावा क्या था, जो
ऑस्ट्रिया था उसने अटैक किया था सर्बिया पर। क्यों किया था? क्योंकि एक सर्बियाई युवक ने जो ऑस्ट्रिया के जो राजकुमार थे उनकी हत्या कर दी। अब क्या हुआ, अब जो ऑस्ट्रिया था वो सर्बिया से युद्ध करने लगा, उसका अपोज किसने किया, रशिया ने किया। तो जो जर्मनी था उसने किस पर अटैक कर दिया, बीच में बोलने के कारण रशिया पर। फिर उसने किस पर अटैक किया, फ्रांस पर। तो ऐसे कर करके जो बात थी वो बिगड़ती चली गई, अलग अलग ग्रुप्स बन गए। ठीक है, तो इस तरीके से अपना जो फर्स्ट वर्ल्ड वार था वो चला, एट लास्ट 18 में ख़त्म हुआ। तो उसके बाद में वर्साई की संधि हुई, जिसने कि जर्मनी को आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक हर तरीके से पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। ठीक है, और ऑस्ट्रिया के जो हंगरी था उसको अलग कर दिया गया, ऑस्ट्रिया से सेंट जर्मन की संधि करी गई। तो ये था अपना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उसके परिणाम। अब चलते हैं हम आगे दो विश्व युद्धों के बीच की दुनिया। दो विश्व युद्धों के बीच की दुनिया देखिए, अब हुआ क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वार हो गया। ठीक है, उसके बाद में क्या हुआ, बर्बाद होंगे देश तो आर्थिक रूप से काफ़ी लॉस होगा। तो एशिया, अफ्रीका, सोवियत संघ, ये उपनिवेश थे, एशिया अफ्रीका उपनिवेश था। ठीक है, इसमें राष्ट्रीय चेतना का विकास हो गया। एशिया, अफ्रीका, सोवियत संघ, ये क्या थे, उपनिवेश थे। तो इन्होंने क्या हो गया, इसमें राष्ट्रीय चेतना का विकास हो गया कि हमें तो क्या चाहिए, स्वाधीनता, डेमोक्रेसी। ठीक, सोवियत संघ में समाजवादी आंदोलन शुरू हो गया। सोवियत संघ में किसका आंदोलन शुरू हो गया, समाजवादी आंदोलन। इटली और जर्मनी में तानाशाही शुरू हो गई। इटली में फासीवाद के नेता कौन थे, मुसोलिनी। ठीक, मुसोलिनी डिक्टेटरशिप स्टार्ट हो चुकी थी इटली और जर्मनी में। इटली की थी फासीवाद जिसके नेता थे मुसोलिनी, और जर्मनी की थी नाजीवाद जिसके नेता थे हिटलर। ठीक है, इन्होंने अपनी तानाशाही इन्होंने अंडर कंट्रोल कर लिया। ठीक, हाँ जी, इंग्लैंड और फ्रांस ये गहरे आर्थिक संकट से जूझ रहा था। सोवियत संघ समाजवादी देश के रूप में उभरा। अब देखिए हुआ क्या, आर्थिक संकट तो होना लाजमी है, वर्ल्ड वार के बाद में फाइनेंशियल लॉस तो होगा ही होगा। ठीक है, लेकिन क्योंकि जो सोवियत संघ जो आज का रसिया है, ठीक है, उसमें क्या था, उसमें ये समाजवादी देश है ना। तो इस चक्कर में महामंदी के काल में भी महामंदी से प्रभावित नहीं हुआ। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल लॉस हो गया, लोगों के पास पैसा ही नहीं बचा। पैसा ही नहीं बचा तो कुछ भी खरीदने नहीं जाएंगे, कुछ खरीदने नहीं जाएंगे। तो ये टाइम पीरियड क्या कहलाता है, मंदी का काल कहलाता है। और जब ये प्रोसेस ज़्यादा बढ़ जाता है तो वो महामंदी कहलाता है। क्योंकि सोवियत रूस जो रशिया था उसने कौन सा, उसकी जो अर्थव्यवस्था थी कैसी थी, साम्राज्यवादी थी। तो उसको इस काल में कोई लॉस नहीं हुआ, उसको इतना लॉस नहीं हुआ आर्थिक रूप से। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दूसरे वीडियो में हम सेकेंड वर्ल्ड वार की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।